तो आपने डिप्टी सीएम का बयान सुना। तो उधर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले अपने 3 विधायकों को भोपाल तलब किया है। विधायक प्रदीप पटेल, ब्रिज बिहारी पटुरिया और प्रदीप लारिया को तलब किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत संगठन के कई अन्य नेता इन विधायकों से उनकी नाराजगी और सार्वजनिक करने के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दरअसल पिछले दिनों मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पुलिस अधिकारियों के सामने दंडवत होकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। तो वहीं सागर जिले के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया का एक लेटर वायरल हो रहा था, जिसमें उनसे इस्तीफे की बात कही गई थी। दरअसल विधायक अपने क्षेत्र में एक पीड़ित के लिए थाना कैसोली पहुंचे थे। उधर सागर जिले के नरियावली विधायक प्रदीप लारिया भी जिले में शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एसपी विकास शहवाल के पास ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। इन तीनों विधायकों को आलाकमान ने भोपाल में तलब किया है। तीनों से पूछताछ की जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इन तीनों विधायकों से पूछताछ करेंगे। देखिए, तीनों ही विधायकों के अपने अलग अलग इशूज हैं, अपने अलग अलग मुद्दे हैं। तो अब देखना होगा कि इन मुद्दों को किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाएगा आलाकमान की तरफ से। प्रदेश ब्रिज बिहारी ने यहाँ पे सुनवाई नहीं होने पर अपना इस्तीफा दिया था। सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले तीनों विधायकों को देखिए अब भोपाल तलब किया गया है। तीनों विधायकों से मिलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। विधायकों से सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर पार्टी बात करेगी। तो फिलहाल ये तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिज बिहारी पटुरिया का प्रदर्शन करते हुए। देखिए, तीनों विधायक जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और नाराजगी दिखाने पर तीनों विधायकों को देखिए अब भोपाल तलब किया गया है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदीप पटेल को किस तरीके से यहाँ पे दंडवत होकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। वहीं तीसरी तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरीके से शराबबंदी को लेकर विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शराब का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर यहाँ पे विधायक की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। तो वहीं एमएलए की नाराजगी पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान सामने आया है। बीजेपी के विधायक कभी नाराज नहीं होते हैं, बातचीत हुई है, सब ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों विधायकों की क्या नाराजगी है, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे तीनों विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वो हमने आपको बताया है। और अब यहाँ पे देखिए डिप्टी सीएम का ये कहना है राजेंद्र शुक्ला का कि बीजेपी के विधायक कभी नाराज नहीं होते हैं, तीनों से बातचीत हो चुकी है, सब ठीक हो जाएगा। तो बैठक बुलाई गई है, बैठक के बाद ही आपको जानकारी मिल पाना संभव होगा। सर, कई विधायकों की नाराजगी, आज भोपाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक कभी नाराज नहीं होते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, कभी कोई मुद्दा आता है तो उसको उठाते हैं और फिर बातचीत होती है। सर, आपको लगता नहीं सोशल मीडिया की जगह पार्टी फोरम पे अगर मुद्दे उठाए विधायक तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सोशल मीडिया पे लगातार नाराजगी कर रहे हैं? बातचीत हुई है, सब ठीक हो जाएगा। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय शर्मा, तीनों ही विधायकों को जिन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया था, भोपाल तलब किया गया, लेकिन इसी बीच यहाँ पे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान सामने आता है कि बीजेपी के विधायक कभी नाराज नहीं होते हैं, बातचीत हो गई है। तो अब क्या मान लिया जाए कि कुल मिलाकर मामला सॉर्ट हो गया है? देखिए, मामला भी खत्म नहीं हुआ है। मामला इस लिहाज से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मामले में भी हाल कई दौर की बातचीत होना बाकी है। अभी हाल जो है तमाम बीजेपी के नेता जो है पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, और यहां पर ना सिर्फ बीजेपी पार्टी संगठन की बैठकों का दौर जारी है बल्कि कार्यसमिति की बैठक चल रही है। और बैठक में बीजेपी के जितने दिग्गज नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे राजेंद्र शुक्ला हों, जगदीश देवड़ा हों, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, दूसरे अन्य पदाधिकारी जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और यहीं पे पार्टी संगठन के तमाम नेता उनसे बातचीत करेंगे। तीनों विधायक अभी पहुंचे नहीं हैं पार्टी कार्यालय, लेकिन देखना ये कि उनसे पार्टी कार्यालय में जवाब तलब किया जाता है, मुख्यमंत्री आवास में किया जाता है, लेकिन इन सब के बीच में तीनों ही विधायकों से सवाल जवाब होने हैं
और इसी को लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही कि आपने इस तरीके से पार्टी की छवि को धूमिल किया और सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की। पार्टी संगठन इसके माध्यम से तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है मैसेज भी कन्वे करना चाहता है, क्योंकि पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में डाल रही है इस पूरे मामले को। चूँकि जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर किसी अधिकारी के पैर में नतमस्तक हो जाना या अपनी पार्टी से ही अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना और सार्वजनिक तौर पर ना सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी कर देना, जैसे कई मामले हैं, सिर्फ ये तीन विधायक नहीं है, इसके अलावा भी पार्टी संगठन ने कई महत्वपूर्ण मामलों में अलग अलग नेताओं को तलब किया है। छिंदवाड़ा के सांसद बंटी साहू से लेके महापौर विक्रम महाको और विधायक कमलेश शाह को इसलिए तलब किया गया है, उनसे सवाल जवाब बंद कमरे में बैठक जारी है, कि वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था और बीजेपी के अध्यक्ष को, नगर निगम के अध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा था, तो जो उसमें पूरे मामले में जो था बीजेपी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जिसके बाद जब पार्टी संगठन की भारी चीचा लीडर हुई थी। और अब दूसरा मामला जो है वो पार्टी के कई विधायकों का सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करने का, तो ऐसे कई मामले पिछले कुछ अरसे के अंदर सामने आए हैं, जिसके चलते पार्टी को ना सिर्फ सार्वजनिक तौर पर अपनी सफाइयाँ देनी पड़ी थी, बल्कि ये बयानबाजी और ये तस्वीरें जो अधिकारियों के सामने धरना प्रदर्शन की थी वो खासी चर्चा में रही और सुर्खियां बटोरी, विपक्ष को भी बैठे बैठे। तो बिल्कुल अच्छा, क्योंकि देखिए बीजेपी तो यहाँ पे अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, चाहे काडर बेस कार्यकर्ता हो या फिर टॉप लीडरशिप, हमेशा ही एक डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक अपने ही पार्टी के विधायक सांसदों की तरफ से ये विरोध के सुर जो है मुखर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन शॉर्ट ऐसा कहा जा सकता है कि क्लास लग रही है सबकी। लेकिन अजय ये बताइए जरा, कितने विधायक सांसद और नेताओं को बुलाया गया है भोपाल, कितने पहुंच चुके हैं? देखिए तकरीबन 4 से 5 नेता हैं, एक छिंदवाड़ा का विषय उठा लिया जाए तो 4 से 5 विधायक हो रहे हैं टोटल, जिनसे चर्चा की जानी चाहिए। अभी आज छिंदवाड़ा के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की जा रही है, चूँकि वहाँ अविश्वास प्रस्ताव गिरा था, और उसके बाद जो 2-3 विधायक हैं ब्रजबिहारी पटेरिया और लारिया, उन सब से चर्चा की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर आपने क्यों सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की जिसके चलते पार्टी को खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा, संगठन महामंत्री तनन शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये तीनों मौजूद रहने वाले हैं, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और खासतौर पर इलाकों के प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। चूँकि प्रभारी मंत्रियों ने आखिर बात नहीं सुनी या प्रभारी मंत्रियों को जानकारी में नहीं लाया गया कि कौन अधिकारी किस पर हावी और किस तरीके की परेशानी का सामना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा, ये तमाम कोऑर्डिनेशन से जुड़े हुए विषय थे, जिसमें कहाँ चूक हुई पार्टी ये जानना चाहती है और किस अधिकारी का क्या रवैया रहा ये पार्टी विधायक से बातचीत करके जानना चाहती है। लेकिन उसके साथ साथ विधायकों को खासी फटकार मिली है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की बयानबाजी क्यों की और क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि ये बयानबाजी करनी पड़ी। बिल्कुल, विस्तार से जानकारी देने के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से वो तीन तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर देखिए अपने ही बीजेपी के ये तमाम विधायक अपनी सरकार के खिलाफ किस तरीके से यहां पे रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बीच में देख सकते हैं विधायक प्रदीप किस तरीके से पुलिस के सामने दंडवत होकर अपनी ही सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि स्थानीय विधायक SP ऑफिस पहुंचे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि शराब का कारोबार किस तरीके से फल फूल रहा है। फिलहाल तीनों ही विधायकों को भोपाल तलब किया गया है, पूछताछ होगी कि आखिर क्यों इस तरीके से आप लोगों ने विरोध किया है, और उसके बाद देखना होगा कि क्या यहाँ पे एक्शन लिया जाता है पार्टी आलाकमान की तरफ से।